नमस्कार, मैं अनुराग, आप देख रहे हैं विभाग बात। आज हम विभाग बात में बात करेंगे राम सनई मिश्रा जी से, भोपाल में एडिशनल एसपी हैं। राम सनई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सामान्य तौर पे विभाग बात में हम राजनीति की बात करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अफसर हमारे साथ होते हैं। आज राम सनई जी, ये बड़ा एक अजीब सा वक्त है, कोरोना का संक्रमण काल है, पुलिस सड़कों पर है, लोग घरों में हैं। सामान्य तौर पर भीड़ भाड़ में पुलिस की जरूरत पड़ती है चीज़ें संभालने के लिए। बेसिकली अनुराग जी, क्या है, ये विराट आपदा का समय है, इसके लिए पुलिस जैसी संस्थाओं को ही इसी समय अपनी परीक्षा देनी पड़ती है। उसी परीक्षा की घड़ी में सभी लोग, हम लोग चौराहे पर हैं कि लोग बाग घरों पर रहें और इस आपदा से कोई भी व्यक्ति प्रभावित नहीं हो, बस इसी मंशा को लेकर के हम लोग चौराहों पर खड़े करके काम करते हैं। आप लगातार पुलिस चौराहों पर है, ड्यूटी है, ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान तमाम सारे जो पुलिस के भी हमारे कई साथी हैं जो कालकल्पित हो गए, उम्मीद नहीं थी कि ड्यूटी करते करते ही कोरोना से संक्रमित होंगे और एक एक कर सबका देव लोग गमन होने का समय नहीं था। जितने लोग गए मैंने देखा, चाहे वो उज्जैन में हों, भोपाल में हों, अलग अलग युवा पुलिस वाले बहुत सारे। जी हाँ, क्योंकि क्या है, महामारी है। महामारी ये नहीं देखती है कोई युवा है कि बुजुर्ग है, ये नहीं देखती है कि कोई फौजी है कि कोई वर्दी वाला है, कोई सामान्य आदमी है, कोई भी प्रभावित हो सकता है। लेकिन चूंकि ये समय हमारे लिए, हमारी परीक्षा के लिए है कि हमें ही इस समय पर ड्यूटी करनी है, लोगों को किसी तरीके से बचाना है, महामारी से किसी न किसी तरीके से निजात दिलवानी है, तो ऐसी स्थितियों में हमारे पास मोटिव एक ही रहता है कि हम भले शहीद हो जाएं लेकिन समाज को हमको बचाना है। किसी भी तरीके से जितनी सेवा कर सकते उतनी सेवा हमको करनी है। अच्छा, कहा जा रहा है कि इस समय जो ड्यूटी आवर्स हैं उनकी कोई लिमिट नहीं है। सामान्य तौर पर एक पुलिस की डिमांड रहती है कि सप्ताह में एक छुट्टी मिल जाए, लेकिन मुझे लगता है कि एक साल में तो ऐसा संभव नहीं हो पाया। जी हाँ, एक्चुअली में क्या हुआ, बहुत सारे लोग एक तो संक्रमित हो गए, बहुत सारे लोग होम क्वारंटाइन हैं, बहुत सारे लोगों के परिवार में बहुत सारे लोग इफेक्टेड हो गए। ऐसी स्थितियों में थोड़ा सा हमारे पास बल की कमी हुई है। ऐसी स्थितियों में जो बचा हुआ बल है उसको अनलिमिटेड टाइम पर ड्यूटी करनी पड़ी है, क्योंकि हम कोई पॉइंट छोड़ नहीं सकते, कोई भी इलाका छोड़ नहीं सकते हैं, कहीं कोई घटना दुर्घटना नहीं हो जाए। ये हमारा दायित्व है कि हम वहाँ पर अपनी ड्यूटी लगाएँ, अपने अधिकारियों को वहाँ पर रखें। तो ये स्थितियाँ निर्मित हैं और जो चल भी रही हैं अभी। राम सनई मिश्रा जी, भोपाल का जो पुराना शहर है, ओल्ड सिटी, जो बहुत सेंसिटिव इलाका है, वो पूरे उस इलाके को डील कर रहे हैं, तो पिछले एक साल में क्या सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है उस इलाके में? समस्या यही है कि चूंकि वहाँ पे तो मिक्स पॉपुलेशन है और बहुत ही डेंस पॉपुलेशन है, अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर गली पर भी निकलता है तो ऐसा लगता है कि पूरा बाजार लग गया। एक तो ये देखना है, क्योंकि महामारी ऐसी जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना बहुत जरूरी है, तो लोगों को मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि ये आपदा का समय है, आप किसी भी तरीके से अपने आप को बंदिश में रख करके घरों के अंदर रहें। तो एक थोड़ा सा चैलेंज रहता है, क्योंकि कितने दिनों तक रहेगा, लगभग एक डेढ़ साल से ये आपदा चल रही है। तो ऐसी स्थितियों में बार बार किसी न किसी तरीके से या तो अनाउंस करके या कोई वीडियो दिखा करके या सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर हम लोग खुद जा करके और उनको बताते हैं कि देखिए साहब, आपको इन किन प्रकार, अगर जिंदा रहना है, आगे के भविष्य को देखना है, बच्चों के भविष्य को देखना है, अपने परिवार को देखना है, तो कृपया करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगाइए, घरों के अंदर रहिए। इसी तरीके से किसी तरीके से मेंटली प्रिपेयर करते रहते हैं समाज के सभी वर्गों को और कोशिश करते हैं कि आपदा का समय निकल जाए। कई बार मैंने इस तरह के वीडियो भी आए कि जो लोग हैं वो पुलिस पर पथराव करते हैं, पुलिस वालों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, कई जगह देखा मैंने कि उकसाने की भी कोशिश करते हैं, ऐसे भी तत्व हैं। हाँ, कुछ इलिटरेट लोग रहते हैं जो तब समय पर बहुत ही शॉर्ट टेम्परामेंट के लोग रहते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, वो एक आध परसेंट आदमी, आधा परसेंट आदमी रहता है जो ऐसी हरकत कर जाता है। बाद में हालांकि उसको भी समझ में आता है, क्योंकि महामारी सभी के बीच में है, सभी लोग उससे इफेक्टेड है, सभी के परिजन उससे कहीं ना कहीं संक्रमित हुए हैं, तो बाद में इस चीज़ को रियलाइज करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं को भी पुलिस को सामना करना पड़ रहा है। इस एक डेढ़ साल के दौरान कोई ऐसी घटना हो जो एकदम दिमाग में घर कर गई हो, निकल ही नहीं पाती हो? ये अभी बीच में जो अप्रैल का माह था, जिसने एक बीता समय जो अभी अप्रैल माह था दूसरी लहर के बाद, हाँ, उसमें ऐसा लगा था कि महामारी एक विवश रूप में आ गई और हमारे बहुत सारे लोग संक्रमित हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि हर पल कैसे कटेगा, हर आदमी हॉस्पिटल में हो जाएगा तो समाज को कौन बचाएगा। लेकिन ये रहा कि एक पॉलिसी रही, सरकार की पॉलिसी रही, पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा एक पॉलिसी निर्मित की गई, सभी लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया और इस समय को टाला गया।
तो वो एक तस्वीर है जो हमेशा याद रहेगी कि ऐसा भी विगत समय आ सकता है। आपके इलाके में तो शमशान भी हैं, कब्रिस्तान भी हैं, बड़ी भयावह तस्वीरें आई अभी बीच बीच में। हाँ साहब, चूँकि क्या है, हम ऐसे सेंसिटिव पॉइंटों पर ड्यूटी करते हैं, देखते हैं कि जहाँ पर दिन में 2-3 डेड बॉडी आती थी वहाँ पर 15-15-20 भी डेड बॉडियाँ आ रही, और ऐसा लगता है एक तस्वीर ऐसी दिमाग में खिंचती है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अदृश्य महामारी है जो लोगों को निगल रही है। पुलिस में जब आदमी होता है, वर्दी में होता है, तो माना जाता है कि बड़ा अक्खड़ होगा, रूट टाइप का होगा, लेकिन पुलिस वाले भी संवेदनशील होते हैं। मैंने देखा कई पुलिस वाले कविताएँ करते हैं, कुछ गाने गा के अपना मनोरंजन करते हैं। इस पूरे समय में आपकी टीम है उसको किस तरह से मोटिवेट करते हैं? वो समाज का ही एक अंग है, उसी समाज से आता है जिस समाज से आम आदमी आता है। तो बेसिकली ये तो आपके यहाँ बहुत थकाने वाली ड्यूटी होती है, खड़े रहना, घूमते रहना लगातार, और उसके बाद तनाव, फिर डेड बॉडी आ रही है, लोगों को निकलने देना है, किसी को रोकना है, कोई अस्पताल जा रहा है, तो बड़ा विचित्र परिस्थितियाँ रही आप लोगों की। हाँ, एक परिस्थितियाँ सामान्य से विचित्र तो रहती हैं, लेकिन हमारा ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है जिसमें से इन समस्त परिस्थितियों में आदमी को अपना आपा नहीं खोना है, अपनी ड्यूटी को प्राथमिकता देनी है। ऐसी परिस्थितियों में कितना भी एग्जर्शन रहता है, कितना भी तनाव रहता है, कितनी विषम परिस्थितियाँ रहती हैं, वो अपने पॉइंट पर डटा रहता है, वो अपने कर्तव्य को, अपने दायित्व को भूलता नहीं है। और उस पर से बहुत सारे लोग हैं जो या तो स्ट्रेस को रिलीज करते हैं अनाउंस करके, या गाना गा करके, या लोगों के बीच में जा करके, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं हमारे बीच में। आप जिस इलाके में काम कर रहे हैं वहाँ इस समय चोरियाँ, लूट, मर्डर, ये सब घटनाएँ कम हुई हैं कहीं? हाँ, और प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में, बॉडी ऑफेंसेस में, दोनों में कमी आई है, क्योंकि लोगों का फिजिकल टच नहीं है। फिजिकल टच नहीं है तो स्वाभाविक है कि इन चीज़ों में कमी आएगी। लेकिन वो एक तस्वीर भी भयावह दिख रही है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, बहुत सारे लोगों का व्यापार खत्म हुआ है, बहुत सारे लोगों के धंधे खत्म हो गए, बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं, तो हो सकता है आने वाले समय पर प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में इजाफा हो। तो कहीं इसके लिए मुझे लगता है सरकार विचार कर रही होगी कि जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है, उनकी कुछ मदद की जाए। सोशल सेक्टर में जो काम करने वाले हैं, सामाजिक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों की जब बातचीत होती होगी, कभी शांति समिति के बहाने, कभी नगर रक्षा समिति के बहाने, तो ये इस पर चर्चा होती है? इसमें कोई तो राय नहीं, जो सरकार है इस पर सजग है, कोई ना कोई पॉलिसी बनाई जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सामने रोजी रोटी का सवाल आ गया है, और ये महामारी का एक टाइम क्लियर नहीं है कि कब तक इससे हमको निजात मिलेगी, कब तक लॉकडाउन रहेगा। तो ऐसी स्थितियों में बहुत सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं, कुछ एनजीओ भी हैं जो इनके लिए विचार कर रहे हैं, कुछ लोग सहयोग कर भी रहे हैं। तो इस प्रकार से समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास सरकार एवं जो स्वयंसेवी संगठन है वो कर रहे हैं, और विश्वास है कि ये समय भी कट जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया कि इस कोरोना संक्रमण के शिकार ऐसे परिवार जिनका कोई लालन पालन करने वाला नहीं है, या ऐसे बच्चे जिनकी कोई देखरेख करने वाला नहीं है, उनके लिए एक पेंशन स्कीम सरकार लेके आई। हालांकि वो जो पेंशन की राशि है वो कम है, उसको बढ़ाने पर चर्चा चल रही है, लेकिन इस तरह की जो योजना है मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं अपराध होने से भी रोकती है। हाँ, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि जिसका कमाने वाला जो मुखिया था वो अगर चला गया है और उसके लिए किसी प्रकार का सहयोग नहीं है, तो कहीं ना कहीं दिशा भटक सकता है वो आदमी। सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है, अगर ऐसे कुछ सहयोग मिलेगा तो वो एक तो दिशाहीन नहीं होगा और अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएगा। क्योंकि अभी रामसनी मिश्रा जी ने जो कहा कि ये काल जैसे भी गुजर रहा है और गुजरेगा, लेकिन इसके बाद जो बेरोजगारी की समस्या, लोगों के काम धंधे बंद हुए हैं, काम चौपट हुआ है, ये एक बड़ी समस्या बन के आएगा। और मुझे लगता है कि इसके बाद लूट, चोरी, डकैती, इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं। इसमें कोई दो जब जब बेरोजगारी बढ़ती है तो समाज में कहाँ से आए पैसा, कहाँ से लाया जाए, तो लूट और चोरी, ये दो ही रास्ते बचते हैं। पेट की भूख आदमी को कहीं भी ले जा सकती है, कहीं ना कहीं ये स्थितियाँ निर्मित होंगी जिसमें लोगों का व्यवसाय खत्म हो गया, रोजगार खत्म हो गया, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में इजाफा होता है, ये अक्सर देखा गया है, और उसकी संभावना ही बनती है। लेकिन पुलिस इसकी पहले से स्टडी करके रखती है, वैसे ही क्रिमिनल ट्रैकिंग चालू कर देगी, वैसे ही अपने पॉइंट लगाना चालू कर देगी, वैसे ही अपनी पेट्रोलिंग करना चालू कर देगी, ताकि अपराधों में नियंत्रण हो सके। लेकिन उसके बावजूद भी अपराधी कहीं ना कहीं स्पेस देख करके घटना तो कर ही जाता है। अभी आपका जो इलाका है वो हिंदू मुस्लिम विवाद के कारण हमेशा चर्चाओं में रहता है, तो अभी स्थितियाँ क्या हैं अंदर शहर में?
नहीं, अभी तो सबका एक ही मुद्दा है कि एक महामारी आई है जो ना तो जात देखती है, ना धर्म देखती है, ना पंथ देखती है। तो अभी तो ऐसी कोई स्थितियां नहीं है, सब लोग अपने अपने खुदा से, अपने अपने भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सबसे पहले तो इससे निजात मिले, उसके बाद इन किनी धर्म पर आएगा, आदमी जाति पे आएगा, पंथ पे आएगा। अभी तो धर्म, जाति, पंथ किसी के सामने कुछ नहीं है, सब सिर्फ एक महामारी से जूझ रहे हैं। आप भोपाल के एडिशनल एसपी राम सनेही मिश्रा जी को सुन रहे हैं, जो कह रहे थे कि इस समय सिर्फ लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अपने अपने ईश्वर को मना रहे हैं कि कैसे भी ये जो बुरा दौर है, कोरोना का जो संक्रमण काल है, ये टल जाए। राम सनेही मिश्रा जी से इस चर्चा का ये दौर जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं इस समय भोपाल के एडिशनल एसपी राम सनेही मिश्रा जी से। मिश्रा जी, आप बता रहे थे कि ट्रेनिंग में कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो खास करके इस तरह के दौर में बहुत काम आती हैं। हाँ, एक्चुअली क्या ट्रेनिंग शेड्यूल जो रहता है वो बड़ा टफ रहता है, सुबह 4 बजे से स्टार्ट होगा, देर शाम तक रहता है और बड़ी टफ ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग का पार्ट रहता है कि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हो, आप तनाव कैसे झेलते हो, विषम परिस्थितियों में आप कैसे काम करते हो। आपकी जंगल ट्रैकिंग होती है, जंगल में आपको रात बितानी है, वहीं पे आपको रहना है, वहीं पे खाना बनाना है, खुद खाना है। तो बहुत सारी ट्रेनिंग के ऐसे पार्ट रहते हैं कि समस्त विषम परिस्थितियों में पुलिस अपना दायित्व निभाने में सक्षम रहती है। ये जो एक साल का पीरियड है पिछले जो बीता हुआ और जो गुजर रहा है सारा का सारा, तो ये पुलिस के लिए बड़ा मशक्कत भरा है, तो सब काम आ रहा हुआ इस समय? बिल्कुल मशक्कत है, लेकिन सभी लोग दिमागी तौर पर तैयार रहते हैं कि हमको आपा नहीं खोना, हम समाज के लिए बने हुए, समाज खुद जूझ रहा है। बहुत बड़ी चलते लोग लड़ते भी होंगे, कई बार आप जाने नहीं देते होंगे। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एक्सक्यूज देते हैं, बहुत सारे लोग भला बुरा भी बोलते हैं। हम भी कोशिश यही करते हैं कि कानूनी दाव पेचों में ये लोग नहीं फंसे, क्योंकि चूंकि आपदा का समय। कानूनी दाव पेच में नहीं फंसे का मतलब? जैसे 188 IPC के तहत कार्रवाई होती है, चूंकि 144 लगी हुई है। अगर आप किसी भी प्रकार से बाहर निकलते हैं और जो कोई लॉजिकल कारण नहीं है, 188 की कार्रवाई होती है, तो 188 कार्रवाई होगी, उस पर IPC 188 के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली क्या है कि कलेक्टर का जो आदेश है उसका उल्लंघन आप कर रहे हैं। महामारी फैली हुई, आपको घरों में रहना चाहिए था, आप कैसे बाहर निकल आए। तो एक वो होता है, एक महामारी एक्ट के तहत भी कार्रवाई होती है, आपदा प्रबंधन की धारा है 269-270, उस पर भी कार्रवाई होती है कि आप महामारी को फैला रहे हैं, आप उसके कैरियर बन रहे हैं। तो कोशिश यही रहती है कि लोग वैसे भी परेशान हैं और इन कानून दाव पैचों पर नहीं फंसे और लोग घरों में रहें, इसलिए हमारी पहले प्रयास यही रहता है कि हम किसी तरीके से लोगों को अवेयर करें, उनके दिमाग तक इस बात को पहुंचाएं कि महामारी फैली हुई है और किसी की सगी नहीं है, किसी को भी होगी। जो घर के बाहर दहलीज के बाहर पैर रखेगा वो इससे संक्रमित होगा। तो हमारा पहला प्रयास यही रहता है कि साहब आप अपने घरों में रहिए। मैंने देखा कि जो युवा लोग हैं वो तो कानून का बड़ा सम्मान करते हैं, उन्हें समझाओ तो मान भी जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो बिल्कुल नकार देते हैं कि हम पुलिस को देख लेंगे। और एक मैं किसी पुलिस अफसर का लिखा कुछ पढ़ भी रहा था कि पहला डायलॉग यही होता है कि मैं आपकी वर्दी उतरवा दूंगा। हाँ, ऐसे कुछ लोग रहते हैं, चंद लोग ही रहते हैं, हालांकि वो भी तो पुलिस को सबसे ज़्यादा सुनने वाला जो डायलॉग है वो यही होता है पुलिस को, हाँ ट्रांसफर करवा दूंगा, वर्दी उतरवा दूंगा, ऐसा अक्सर आता है, लेकिन वो लोग दिमागी तौर से परिपक्व नहीं रहते हैं। तो अपने दिमाग में क्या आता है? अपने दिमाग में तो यही आता है कि ये थोड़ा सा बेवकूफ़ है, इसको समझ नहीं है। अगर हम ये नहीं लेते कि वर्दी उतरवा देगा तो ऐसा होता तो हम दिन में कई बार हमारी वर्दी उतरती, तो ऐसा दिमाग में नहीं आता। ये आता है कि इसको किसी तरीके समझाया जाए, इसको बताया जाए वर्दी का क्या महत्व है। वो आपके लिए लगा हुआ है, ये व्यक्ति जो आपको रोक रहा है, टोक रहा है और आप पर कार्रवाई कर रहा है, सिर्फ इसलिए कर रहा है कि आप इस महामारी से बचें। तमाम लोगों को बैरिकेडिंग से भी बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो महामारी है ना, उससे तो छोटी दिक्कत है। लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे घरों के रास्ते को बंद कर दिया, हम तो घरों में बंद करना चाहते हैं आपको, आप रास्ते की बात क्या करते हैं, क्योंकि ये महामारी घर के बाहर आप निकलोगे आपको जकड़ लेगी। तो इस पर विवाद भी बहुत हो रहे हैं, बहुत सारे विवाद। हमारा तो विवादों से नाता है साहब, पुलिस की नौकरी है, चौराहों पर खड़े हुए, विवाद तो होगा ही होगा। तो कैसे हैंडल करते हैं फिर वो? हम अपने उद्देश्य को नहीं बोलते। आप चाहते हैं कि मामले भी दर्ज ना हो, लोग कानूनी प्रक्रिया में भी ना उलझें। देखो, हमारा पहला स्टेप रहता है कि लोग समझ जाएं, फिर दूसरा स्टेप रहता है कि कानूनी कार्रवाई से समझें, तीसरा स्टेप रहता है कि फिर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर के फोर्स का इस्तेमाल किया जाए।
क्योंकि अभी ये भोपाल के बड़े डॉक्टर हैं डॉक्टर जेपी पालीवाल, उनसे बातचीत चल रही थी कोरोना संक्रमण और ताज़ा स्थितियों को। तो उन्होंने एक बड़ी रोचक बात कही कि कोरोना अगर कंट्रोल हो रहा है तो सिर्फ दो चीज़ों से, डॉक्टरों की मेहनत और पुलिस के डंडे से। इसमें कोई दोरा नहीं, डॉक्टर बहुत मेहनत कर रहे हैं और सबसे बड़ी विषम परिस्थितियों में, चूँकि उसी क्लाइमेट्स में रहते हैं जिसमें पूरा कोरोना, हम तो चाक चौराहों पर हैं, ये खुला वातावरण मिलता है, वो तो अंदर उन्हीं लोगों के बीच में है जो इस महामारी को झेल रहे हैं। तो सबसे बड़ा रोल तो डॉक्टर निभा रहे हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है। पुलिस इस पर है कि चूँकि लॉकडाउन का एकमात्र इलाज है, कोरोना की भी कोई दवा नहीं है, तो चैन को तोड़ने के लिए पुलिस को डंडे लेकर के चौराहे चौराहे खड़ा होना पड़ता है, गली गली कूचे कूचे जाना पड़ता है। तो सेकंड उस पर रूम में तो पुलिस काम कर ही रही है। तो आपकी बात सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि पुलिस जो डंडा है बड़े मजबूरी में उठाती है। हाँ, वो लास्ट स्टेप है साहब, सबसे पहले तो ये है कि आपको समझ में आ जाए कि आपको क्यों हम कह रहे हैं कि आप घरों के अंदर, क्यों कह रहे हैं घरों से बाहर नहीं निकले, क्यों कह रहे हैं मास्क नहीं पहने। हमारा पहली प्राथमिकता थी कि आप इस चीज़ को समझ लें ताकि आपका घर सुरक्षित रहे, आपका परिवार सुरक्षित रहे, आपका पड़ोस सुरक्षित रहे और उस पर से आपका देश सुरक्षित रह सके। जो भोपाल पुलिस की टीम है, ये कैसी टीम है इस समय? भोपाल पुलिस बहुत ही अच्छी टीम है, मतलब टीम वर्क अगर आप किसी को सीखना है तो भोपाल पुलिस से सीखे। आला अधिकारी से लेकर के नीचे का हमारा पुलिस जवान एक चैन में काम करता है, जो ऊपर से एक आदेश हो जाता है वो सबके लिए सिरोधार है। आपके जो DIG हैं इरशाद वली, इस समय उनकी भी खूब तारीफें हो रही हैं कि वो भी पूरे समय लगे रहते हैं, हर परिस्थितियों को बड़ी बारीकी से समझने वाले अधिकारी हैं। हर परिस्थितियों में कैसे एंटिसिपेशन होनी चाहिए, कैसे कार्रवाई होनी चाहिए, किस लेवल पे कार्रवाई होनी चाहिए, वो इस चीज़ को समझना है तो उन्हें समझा जाए। बाकी दो जोन है, नया भोपाल पुराना भोपाल, दो SP भोपाल में, तो नाइट गश्त भी इस बीच में करनी पड़ती है। हाँ, हफ्ते में एक नाइट पेट्रोलिंग है, एक दिन VIP ड्यूटी कंप्लीट रहती है स्टेट हैंगर और एयरपोर्ट की, सारी ड्यूटियाँ एज इट इज चल रही हैं, कोरोना वाली ड्यूटी एक अलग से ऐड हो गई है। अच्छा, इस बीच में खान पान का कैसे ख्याल रखते हैं खुद को फिट रखने के लिए? खान पान का तो ये तो मतलब बहुत ही अनसर्टेनिटी रहती है, इसका कोई टाइम निर्धारित नहीं है, कब सुबह से, जैसे आज ही सुबह 6 बजे से लगे हुए, देर रात पहुँचेंगे, तो जब पहुँच गए वही हम अपना लंच का टाइम, वही डिनर का टाइम मान लेते हैं और लेते हैं। रामचंद्र मिश्रा जी, खाना समय पर मिल जाए, इसकी वकालत करते रहें और सुबह वर्जिश भी समय पर हो जाए, खुद भी अपने शरीर को काफ़ी ध्यान रखते हैं, इस समय सब हो पा रहा है? ये अभी तो बिल्कुल ही संभव नहीं है, अभी पिछले 1-1.5 साल से बिल्कुल संभव नहीं है कि कोई एक्सरसाइज कर लें हम, उसके लिए खेलने के लिए कोई टाइम निकाल लें, क्योंकि अभी तो हर दिन एक नया चैलेंज मिलता है, तो उसी चैलेंज पे लगे रहते हैं। इस कोरोना संक्रमण काल में कहीं ऐसा लगा कि सब बेकार है जीवन और कुछ समस्या परे है, जो लगातार लाशें हैं मृत्यु ये सब देख रहे होंगे, तो कभी ऐसा फील आया? मुझे लगता है ऐसा फील तो हर व्यक्ति के दिमाग में आया होगा, जैसा दौर चल रहा कभी किसी ने सोचा नहीं था, एक ऐसी तस्वीर उसके सामने प्रकट हुई है और आने वाले भविष्य में न जाने कैसी तस्वीर रहेगी वो भी लोग अब बता रहे हैं, तो हम भी एक मानव प्राणी, हमारे दिमाग में ये बात तो आई है। कोई ऐसा घटनाक्रम है जिसको देख के लगा हो भोपाल में कि बहुत भयावह स्थितियाँ हुई हैं? बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बीच से निकल गए, गुजर गए, जिसकी हमने कभी आशा नहीं की थी, तो ऐसा लगता है कि बहुत नज़दीक से कोरोना गुजर गया है, कब हमारे बीच में आ जाए, हम में आ जाए, इसकी पूरी संभावना बनी रहती है। कोरोना से बचाव के लिए खुद क्या करते हैं? खुद पूरे टाइम मास्क, सैनिटाइजेशन, और दिन में जब भी टाइम मिलता है तो गरारे करना, भाप लेना, ये वो सारे प्रोटोकॉल बनाते हैं। पिछले 1-1.5 साल से ठंडा पानी तो देखा भी नहीं है, पीने की तो बात अलग है। अब बाकी पूरे पुलिस परिवार के लिए इस तरह का कोई प्रोटोकॉल बनाया गया है? हाँ, सभी के लिए हर कम से कम 2-3 बार जो आला अधिकारी हैं वो सभी को अलर्ट करते हैं कि ये महामारी है, ये नहीं देखती है, आप लोगों को बचाने में लगे हुए हो, आप तभी लोगों को बचा पाओगे जब खुद बचोगे, तो ये बार बार बताया जाता है कि आप पूरे प्रोटोकॉल का पालन करिए, अगर आपको कहीं पर भी जरा सा भी संदेह है कि आपको इस महामारी ने जकड़ लिया, आप तत्काल में टेस्ट करवाइए, उसके लिए टाइम निर्धारित किया गया कि इस समय पर कंट्रोल रूम में टेस्ट होगा, इस समय पर आपका CT स्कैन करवाया जाएगा, सारी चीज़ें। कुछ पुलिस की नौकरी करते करते जब आप आए होंगे तो DSP या CSP और अब जहाँ तक पहुँचे हैं, और ख़ास करके ओल्ड सिटी को कंट्रोल करना, ये अपने आप में बड़ा टेढ़ी खीर माना जाता है,
हाँ, मैंने पहले भी ओल्ड शहर में एज ए सी एस पी काम किया था, एज ए एडिशनल एस पी भी करता हूँ। देखो सभी लोग इंसान हैं, बस शहर का नाम बदल दिया गया ओल्ड और न्यू। थोड़ी सी सोच में फ़र्क मिलता है, लेकिन उनके मुताबिक, चूँकि जो परिस्थितियाँ रहती हैं उसके मुताबिक सोच भी निर्मित होती है, तो उसको आप सही रास्ते पर ला सकते हैं। ऐसा कोई निगेटिव चैलेंज नहीं रहता है, बस एक पॉजिटिव चैलेंज लेकर के चलिए तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को एक रास्ते पर ले आएंगे। आप आए, आपने हमको वक्त दिया, इसके लिए आपका आभार। और हम ये प्रार्थना करेंगे कि जो भोपाल पुलिस है या मध्य प्रदेश पुलिस है, उसके जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, वो खुद को सुरक्षित रखें, ताकि उनके जरिए समाज को, आपके इलाकों को सुरक्षित रखा जा सके। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, देखते रहिए दखल न्यूज़। नमस्कार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।